बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल तुहाडा सारिआं दा? अल्लाह दा शुक्र, मैं भी ठीक हाँ। ते अज धुप्प फिर कोई नहीं लगनी, अज बदल है। ते जदों धुप्प लगदी ते बंदा थोड़ी देर धुप्पे बह जांदा ते हड्डियां नूं धुप्प धप्प लग जांदी है। कहिंदे ने आयोडीन की कमी नूं पूरा करन वास्ते जिहड़ी धुप्प आ उह इंसान दी जिंदगी दे विच जरूरी आ। ते जिहड़े बंद इलाके जिथे धुप्प वगैरह नहीं जांदी, उत्थे लोग जिहड़े ने आयोडीन की कमी जिहड़ी आ उह नमक खा के पूरा करदे ने। तो जिहड़े खुले इलाके ने जिथे धुप्प वगैरह हुंदी है, साडे वर्गे लोग छत्तां ते बह गए जां धुप्पे बह के, ते जिहड़ी आयोडीन की कमी आ उह पूरी कर लैंदे ने। ते कहिंदे ने कि जिहड़ी आयोडीन की जरूरत है इंसान नूं जिंदगी दे विच, एक जिहड़ा हैगा ना चम्मच नमक दा हुंदा है, उन्ना क इंसान दे जिस्म चल जाए ते सारी उम्र वास्ते उह जिहड़ा है इंसान वास्ते फायदेमंद हुंदा है कि उहदे नाल इंसान दी जिहड़ी आयोडीन दी कमी पूरी हो जांदी है। सानूं रोज़मर्रा दी जिंदगी दे विच ना सिर्फ एक पेंसिल दे नुक्ते जिन्ना जिहड़ा आयोडीन सानूं चाहिदा हुंदा है, ते उह अगर सानूं असीं उह लैंदे रहीए रोज़ाना दी मकदार दे विच ते सानूं आयोडीन दी कमी नहीं हुंदी। आयोडीन दी कमी दे नाल जिहड़ी गिलड़ दी बीमारी हो जांदी है, कईआं औरतां नूं वेख्या है कि उहनां नूं हो जांदी है, मर्दां नूं औरतां नूं बच्चिआं नूं सभ दे विच पाई जाती। गिलड़ की बीमारी की निशानी यह होंगी कि ए वालिया जड़िया होंगे ना, इतने ए जगह पर जो ए गर्दन होंगी है, गर्दन के एड़े जे वे मसल के गिलड़ जे बन जाते हैं, फुल जाती है इतने बाल, फिर वह जो ऑपरेशन करना पैंता है। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो किचन के मैं बैठी हाँ, तो यह सुबह सुबह जोड़ा मैं ना खान लगी हाँ, यह सेब का मुरब्बा है, तो यह हड़ीर जोड़ा मुरब्बा है, क्योंकि कहते हैं कि सेब का मुरब्बा दिल वास्ते सही हुंदा है, ते ऐ मैं लिया है, ते लेकिन काफ़ी दिन हो गए ते खाने नूं जी नहीं करता। ए जिहड़ा सेब दा मुरब्बा है ना, ए वेखो थोड़ा जिहा ते, लेकिन ए भी मैं बड़ी मुश्किल खाना है। ए सिर्फ मैं पा मंगवाया सी ते 8 दिन हो गए तकरीबन, ते ए मेरे को खादा नहीं जांदे। इहदे विच ना चीनी जिहड़ी बहुत ज़्यादा उन्होंने पाई, मिठा बहुत ज़्यादा, तुहानूं पता है कि मिठा जिहड़ा इन्ना नहीं खादा जांदा। कई जिहड़े शौकीन हुंदे मिठे दे वह खा लेंगे ने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तो वह खाधा नहीं जाता। तो यू हूँ मैं खानी हाँ दवाई समझ के, तो बहर जो थोड़ा ना मौसम धुंद धुंद नहीं सी पई, वैसे बदल होया, तो मैं जो कपड़े असी धोते सर कपड़े सारे मैं तार के उत्ते फैला ही हैं, तो हूँ जो बाकी कपड़े ने मोटे मोटे जर्सियां वगैरह वो मैं क्या छत के उत्ते पानी हाँ, तो मैं क्या पहले ए वाला जरा मुरब्बा खा ला, थोड़ी वीडियो तुहाडे नाल शेयर कर ला, फिर जानी छत बाकी के कपड़े छत पर पाने, तो जिहड़ी कोई बाकी दी रूटीन होगी अज दी वह भी तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो हूँ मैं खाण लगी मुरब्बा, तुसीं भी खाना ते आ जाओ। तकरीबन हूँ इशा दी अज़ान होने वाली है, तो मैं तकरीबन 12 बजे मैं चली गई सा विजिट करन वास्ते, क्योंकि नवे लोग आए ने, नवी आबादी वह वाली लिखनी सी, तो लोगों ने मैनूं बहुत तंग किया, बहुत सताया, क्योंकि उन्हां वास्ते मैं नवी सा, वह मेरे वास्ते नवे लोग सी, उन्होंने गाइड करना समझाना जरा थोड़ा मुश्किल सी, ते काफ़ी टाइम लग गया, ते बच्चे जड़े पिछों कोई काम सी जरूरी, ते बच्चे मैं लभदे रहे, बच्चे मैं मोबाइल नाल नहीं सा लैके कि बच्चों मैं दस के कि यह वाली स्कीम चली, लेकिन बच्चों नहीं पता, बच्चे दो तीन जगह तो वेख के आए, तो मैं नहीं उन्होंने लभी कि मैं फिर उस तो बाद मैं ये कि घर भी काम है, तो फिर मैं आई घर जरूरी काम से वो किया, उस तो बाद हूँ शाम का खाना शाना खाधा चाय शाय पीती, तो शाह होने वाली आ, तो आ सी मेरी रूटीन जी मैं अच्छ 18 दिन करती रही। तो जो है नवी आबादी वो मैं लिहत लिया है, तो लोगों ने बाद मसल कि हर बंद दसना पैंता सी, क्योंकि किराएदार भी है सन, तो जो किराएदार उन्होंने मैं नहीं लिखना, किराएदारा नाम नहीं लिखने, क्योंकि किराएदार अज इतने तो कल उ फिर उन्होंने फिर आबादी के कढ़ना पैंता है, तो जिन्हें दिखाए थे उन्होंने मैं लिखे कुछ घर ताले भी लगे से, फिर मैं वो छड़ दी गई, उन्होंने फोन नंबर लिखना से, उन्होंने आई डी कार्ड नंबर लिखना से, उन्होंने तरीक पदैश हर चीज़ लिखनी थी, एक घर से काफ़ी टाइम, एक एक घर से काफ़ी काफ़ी टाइम लगा, तो जोड़े मैं लिखे ने सिर्फ वो भी मैं लिख लिया, जो घर नहीं मैंने मिले उन्होंने मैं फिर रहन दिता है, तो हूँ कल हैगा इतवार, कल हैगी छुट्टी, कल मैं घर बह के तो सारा जो रजिस्टर से उतार लवानगी, तो फिर परसों पीर वाले दिन फिर जोड़े है ने थोड़े क आबादी वो लिखागी, उस तो बाद कितने जाके काम कंप्लीट होना। तो सवेरे एक मेरी दोस्त है, उन्हें मैंने डराता फोन करके कि टीम चैक करना आई है, तो मेरी तो जो त्रो निकल गया, त्रो मेरे निकल के मैं क्या हजे कि मेरा काम जरा अनकंप्लीट रजिस्टर वगैरह नहीं बने, तो सुबह मैं अपनी मैडम ने ही दस दाँगी, उस वे मैं चक्कर लाँगी, तो उन्हें भी दस दाँगी मेरा काम अनकंप्लीट है, क्योंकि मेरी मैडम को पता होना चाहिए कि सर्दी बहुत ज़्यादा धुंदा पैदा, तो फिर नवे घर जाने वास्ते ना थोड़ी चीज महसूस होंगी है,
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲ ਕਿ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਟਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਖਤਮ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।